कल तक जो चीज असंभव मानी जाती थी आज वो महिलाएं करते हुए दिखाई दे रही। These are the drone didis of Madhya Pradesh, women empowered with drones by the government to make them self-reliant. But the drone batteries started to fail and now these drone didis are dependent on these unreliable batteries. Drone didis from Satna, Rewa, Sidhi and Devas shared their stories with us. Roshni Yadav operates drones in two blocks of Satna district, Nagaud and Rampur Baghelan. But now if a drone works for even a few minutes, it's a miracle. काम तो अच्छा करता है, बट हमारी बैटरी नहीं चल रही है इसकी। जैसे बैटरी तो ठीक है, बैटरी भी ख़त्म हुई, फिर उस गांव में जैसे लाइट की लाइट भी नहीं रहती और किसान की संतुष्टि नहीं हो पाता। मंजू दीदी फ्रॉम खातेगांव एंड निर्मला फ्रॉम तुमड़ावाड़ा इन देवास बोथ ऑपरेट ड्रोन्स फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। दे रिसीव ट्रेनिंग इन इंदौर बट बोथ फियर रिलाइंग ऑन द ड्रोन बैटरीज व्हिच आर फेलिंग। इनिशियली प्रॉमिस्ड अ 30 मिनट्स फ्लाइट टाइम, नाउ द बैटरी बेयरली लास्ट 10 टू 15 मिनट्स। सर डर लगा रहता है कि ऐसा नहीं कि हमारा ड्रोन ऐसे ही क्रैश हो जाए, और सर उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे महंगे आते हैं। अभी सर मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था तो उसका लैंडिंग गियर मंगवाया मैंने। मनीषा ड्रोन दीदी फ्रॉम सीधी सेज हर ड्रोन लैंड्स जस्ट आफ्टर 5 to 7 मिनट्स। शी रिसीव्ड ट्रेनिंग एट प्रेस्टीज कॉलेज इंदौर एंड इन नोएडा अ ग्रुप स्टार्टेड स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स इन फील्ड्स बट बोथ ऑफ द बैटरीज दे रिसीव्ड आर फेलिंग। आफ्टर वन चार्ज दे कैन नॉट इवन कवर 3 acres एंड द ड्रोन इज सो हैवी इट रिक्वायर्स अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट इट टू द फील्ड्स। बड़े किसानों को धान वगैरह के लिए ऑर्डर मिलने लगे मेरे को, जिसके पास 10 से 15 एकड़ खेत हैं, तो मैं लेके गई तो इसके बैटरी के कारण मतलब मेरे को बहुत दिक्कत हुई। फर्स्ट दिन में लेके गई तो बैटरी इसकी मात्र 2.5 से 2 acres कवर करी है। फिर मेरे को उनका घर दूर था तो इसको चार्ज लगाने जाना पड़ा, फिर चार्ज करके फिर खेत में लाना पड़ा, तो ये सब दिक्कत हो रही है सर। In Rewa, drone didis have the same complaint. Due to poor battery backup and small tank, the drone can only spray on 1 to 5 acres of land at a time. However, the agriculture department claims that this will improve in the coming days. Starting में ये क्योंकि ये नया है, अभी इसमें नया नया project और नए और भी experiment add होंगे, तो अभी IFFCO के द्वारा अभी इनको alternate 4 battery backup provide कराया गया है। NDTV conveyed the concerns of these drone didis to the government and assurances have been made. Drone में एक समस्या आई थी, बैटरी जो उड़ाने वाली है उसका समय काफ़ी कम था, और इसके बाद एक बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बहनों को ड्रोन दीदी परेशान रहती थी कि अब करें क्या। तो अब एक नहीं 5 बैटरी ड्रोन दीदी को देंगे ताकि एक डिस्चार्ज हो जाए तो जब तक वो चार्ज हो उनके पास विकल्प हो तो वो लगातार ड्रोन उड़ा सके। ड्रोन दीदीज रिसीव 300 to 500 रुपीज पर एकर फॉर स्प्रेइंग। द 15 kg ड्रोन वॉज प्रोवाइडेड टू देम फॉर फ्री बाय द गवर्नमेंट। दे रिसीव 2 बैटरीज विद द ड्रोन। करेंटली 89 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन प्रोवाइडेड मॉडर्न ड्रोन्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट 15,000 ड्रोन्स अक्रॉस द कंट्री विद अ बजट ऑफ 1,261 crores। ग्रांट्स ऑफ रुपीज 7.5 lakh, 5 lakhs and 4 lakhs are available to purchase drones in different categories. 260 people in the state have been trained to fly drones, but only 54 applicants have received grants for drone purchases so far. The drone in my hand may not be able to spray fertilizer, but it can capture good images, empowering my camera colleague Rizwan Khan. The aim to empower drone didis is a great initiative, but with the batteries failing, these didis are dependent on unreliable equipment. In Bhopal, with camera person Rizwan Khan and Abhishek Anurag Dwari for NDTV.